सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनू देव, मैं आपको बताते चलूं, सिवान जिले के पचुरखी प्रखंड के पचुरखी थाना क्षेत्र में मोहर्रम त्यौहार को लेकर एक शांति समिति मीटिंग किया गया, जिसमें मौके पर मौजूद सीओ और थाना अध्यक्ष ने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने बातों को रखा। पचुरखी थाने के थाना अध्यक्ष व पचुरखी ब्लॉक के सीओ लगातार जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी से ये बात कर रहे हैं, ये राय ले रहे हैं, यदि हम लोगों को सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित करें तो हमसे दूसरों की क्षति नहीं पहुंचेगी। अगर इस अवस्था में कोई हो हल्ला करता है, कोई गैदरिंग करता है, तो आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, हमसे हमेशा संपर्क में रहिए, हम जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। सिवान जिला के पचुरखी प्रखंड के जितने भी पंचायत है, उस पंचायत के जितने भी मुख्य प्रतिनिधि है, मुख्य प्रत्याशी है, सब ने मिलकर एक साथ सीओ और थाना प्रभारी के मतों को स्वीकार किया और उनके साथ कदम से कदम मिलाने का चलने का वादा किया और बोला कि मुहर्रम का पर्व हमारे दिशा निर्देश में, मेरे गाइडलाइंस में त्यौहार को मनाई जाएगी, कहीं से भी अराजकता नहीं फैलने देंगे। मैं आपको बता दूं कि सिवान जिला के पचुरखी प्रखंड के पचुरखी थाना क्षेत्र के मुहर्रम के लेकर जो शांति प्रस्ताव वाली मीटिंग रही वो काफ़ी अच्छी रही। ग्रामीणों ने भी खुशी जाहिर की कि अब मुहर्रम अच्छी से बीतेगी, अच्छी से त्यौहार को मनाई जा सकती है। आइए हम चलते हैं लाइव, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीसीटीवी न्यूज चैनल का सीनियर रिपोर्टर मिस्टर अंकित राज और दिखाएंगे, बात करेंगे कि क्या क्या गाइडलाइंस जारी हुआ सीओ और थाना अध्यक्ष के माध्यम से। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मिस्टर अंकित राज, आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के पचुरखी प्रखंड के पचुरखी थाना पर, जहां पर मुहर्रम को लेके एक शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें हमारे पचुरखी प्रखंड के सीओ साहब और हमारे पचुरखी थाना प्रभारी ददन सिंह जी उपस्थित रहे और उन्होंने इस मीटिंग की अध्यक्षता की। और आइए हम मिलकर अपने सीओ साहब और थाना प्रभारी से बात करते हैं कि सर किस तरह की यहाँ पे योजनाएं बनाई गई हैं और क्या क्या कार्य किया जा रहा है और किस तरह का प्लानिंग है मुहर्रम को लेकर। तो आइए सबसे पहले हम अपने सीओ साहब से बात करते हैं। मुहर्रम के अवसर पर आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आपदा प्रबंधन द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए प्रेस विज्ञप्ति को पढ़कर सभी व्यक्तियों को भी सुनाया गया और गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन हेतु निर्देश दिया गया, अनुरोध भी किया गया। ये भी बताया गया कि मुहर्रम पर्व के अवसर पर लाउड स्पीकर डीजे प्रतिबंधित रहेगा, जुलूस किसी तरह का नहीं निकलेगा और जुलूस निकालने की अनुज्ञप्ति भी नहीं दिया जाएगा। और सभी से अनुरोध किया गया कि गत वर्षों के बाद जो प्रतिबंध था अभी भी वही प्रतिबंध लागू रहेगा और शांतिपूर्वक पर्व मनाने के लिए अनुरोध किया गया। जैसे कि हमारे पचुरखी प्रखंड के सीओ साहब का कहना है कि किसी भी तरह का डीजे का कार्यक्रम नहीं चलेगा और किसी भी तरह का अगर जो जुलूस उलूस पर प्रतिबंध रहेगा और पूर्व वर्ष की तरह ही इस बार भी शांतिपूर्वक से मनाई जाएगी। तो अब हम बात करते हैं अपने पचुरखी थाना के थाना प्रभारी से कि सर का क्या विचार है इस पर्व पर, इसके त्यौहार को लेकर। आज जो हम लोग थाना परिसर में शांति समिति की बैठक जो बुलाए हैं, अपने सभी ग्रामीण वासियों को पहले मुहर्रम का हार्दिक बधाई अपने थाना की तरफ से दे रहे हैं और सभी को अनुरोध कर रहे हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी अच्छा से संपन्न हो और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन हो और गाइड का भी पालन हो, जो हम लोगों को उचित दिशा निर्देश जो प्राप्त है उसके अनुरूप हम लोग शांति प्रिय ढंग से मुहर्रम पर्व मनाए कि एक मैसेज जाए जनता के बीच में, एक मैसेज जाए कि पचुरखी थाना क्षेत्र के ग्रामीणों का पर्व जो है सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, इसका मैसेज जो है दूसरे जगहों पर भी जाए कि इसका लोग जो है सीख लें कि इतनी अच्छी से पर्व मनाई गई। जैसे कि हमारे पचुरखी थाना प्रभारी का कहना रहा कि
हम अपने थाना के लोगों से ये निवेदन करते हैं कि इस वर्ष भी पूर्व की भांति एक शांतिपूर्वक से त्यौहार को मनाया जाए, पर्व को मनाया जाए, और एक दूसरे थाना को, एक दूसरे जिला को एक मैसेज जाए हमारे समाज के लिए कि किस तरह यहाँ के जनता, यहाँ के समुदाय के लोगों ने किस तरह से पर्व को धूमधाम से मनाते हुए भी इसको सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पर्व को मनाया और एक शांति का स्थापना किया और समाज में शांति बनाए रखने का काम किया।